राधे राधे, हरे कृष्णा। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाएंगे बाहर होली कैसे हम बैठाते हैं, बाहर हम कैसे, हमने घर के बाहर और घर में कैसे होली बनाई जाती है और कैसे बिठाई जाती है। हमारे यहाँ पर होली जो है बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। तो चलिए हम दिखाते हैं पहले होली की सामग्री, होली में क्या क्या सामग्री लगेगी की स्थापना करने में। तो ये हमने चौक ले लिया, आप गोबर भी ले सकते हैं, जल ले लिया है। और ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें सुपारी ली थी, एक सीका लिया है, दो लौंग और इलायची ली है। तो आप ये अवश्य लीजिएगा, आपके यहाँ पे जो भी हो वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने आटा चौक पूरने के लिए एक आटा लिया है, तो आप आटा भी ले सकते हैं चौक पूरने के लिए। तो हमने अबीर गुलाल लिया है, तो इसमें गुलाल बोलते हैं होली को, बाकी दिन अगर आप लेने जाओगे दुकान से तो अबीर बोलते हैं। तो हमने चंदन कुमकुम लिया है, आप चंदन कुमकुम बिल्कुल लेना ना भूलें, आप चंदन कुमकुम अवश्य लीजिएगा। आप हल्दी ले सकते हैं, अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, वैसे दोनों चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पे हमने फूल लिए हैं, जो भी आपके पास फूल हो वो ले सकते हैं। हमने ये कलावा लिया है, कलावा के साथ आप अगर कच्चा सूत हो तो आप घर पे कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो ये हमने झंडा लिया है, झंडा आपके पास प्लेन होना चाहिए, पीले कलर का या लाल कलर का जो भी हो आपके पास, लेकिन किसी की फ़ोटो या मूर्ति बिल्कुल ना बनी हो, तो ये आप विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा, तभी आपने लेना। ओहो, लास्ट में हम एक चीज़ तो भूल ही गए, तो ये अक्षत भूल गए हम, तो ये आप अक्षत बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये तो ज़रूरी होते हैं किसी भी पूजा में। तो चलिए चलते हैं स्थापना करने होली को, कि होली का झंडा लगाने चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि होली का झंडा कैसे लगता है। तो ये हम आप मंदिर पर आ गए हैं, मंदिर के सामने ही हम होली की स्थापना करेंगे। तो पहले देखिए हम यहाँ मंदिर के भगवान के भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि शुभ काम तभी होता है कि जब भगवान के दर्शन हो जाएँ एक बार, तो गलती ना हो। तो हम इसके लिए पहले हम गंगा जल छिड़केंगे, हम इसमें जो पानी लाए हैं पानी में हमने गंगा जल अवश्य कर लेंगे, इन्हें शुद्ध कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चौक पूरेंगे। तो आप देखते रहिएगा कि चौक हमने कैसे पूरी। आप गोबर भी ले सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, गोबर भी और चौक भी। तो यह मैंने आपको दिखा दिया है आपके दिखाने के लिए कि हमने चौक भी, और यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, लेकिन मैंने शहरों में देखा, शहरों में ना जैसे कि भाई होली दो दिन बाद जलनी है, तो दो दिन के पहले ही तभी आप उनका स्थापना करते हैं, तभी झंडा गाड़ते हैं, तो इससे पहले नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर हमारी मान्यता जाए तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार और हमारे बड़े बुजुर्ग वो ऐसे करते थे कि बसंत पंचमी से ही शुरू कर देते थे होली। तो ये हम इस चौक पूर लेते हैं, तो चौक पूरते हुए हम आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं एक उपाय कि क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन पर करें श्री यंत्र की स्थापना, ओम श्री कमला कमलाय नमः मंत्र का 1000 बार जाप करें। इसके बाद श्री यंत्र को तिजोरी या पूजा स्थल पर लाल वस्त्र पर लपेट करके या धान या चावल पर रख करके उसे स्थापित करें। इससे आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और होलिका दहन की सुबह, होली पर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, मीठे और नमकीन पकवानों के अलावा होली के दिन खीर भी जरूर बनाई जाती है। तो खीर बनाकर होली की शुरुआत करने से पहले माता महालक्ष्मी को खीर का भोग जरूर से लगाएं। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन का लाभ होता है। तो होली का दहन वाले दिन आप जरूर से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, उन्हें खीर का भोग जरूर से लगाएं, साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन लक्ष्मी जी के साथ में करें, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचल होती हैं, उन्हें स्थायी रखने के लिए गणपति जी के साथ या विष्णु जी के साथ पूजन जरूर से करना चाहिए। तो ये हमने सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का रख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़े से हमने अक्षत चढ़ा लिए हैं। और देखिए हमने सभी ने हमारे साथ सहयोग किया है, और ये हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। फूल अर्पित करने के बाद यहाँ पर अब देखिए कि आप सबसे करवा सकते हैं, जो भी आपके साथ हो या कोई भी हो आसपास हो, आप उनसे भी ये करवा सकते हैं। ये हमने झंडा गाड़ लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको पहले भी बताया कि झंडे के ऊपर ना किसी भी तरह की कोई मूर्ति या फोटो ना बनी हो, तो हम कम से कम पांच कंडे, पांच उपले जिसे बोलते हैं पांच गोहे, तो हम ये गोहे भी इसमें कम से कम पांच तो शुरुआत में रखने होते हैं। उसके बाद आप जितने मर्जी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम स्थापना करने के लिए पांच रखने होते हैं। और यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आपने ऐसे बनाना है कि आपके जो फेस पर सूरज भगवान पढ़ते हों, और ये नहीं कि आपके पीठ पे सूरज भगवान पढ़ते हो, तो इस तरफ नहीं बनाना है पीठ पे, आपके जो सामने पढ़ते हों सूरज भगवान, तभी आपने स्वास्तिक बनाना है। तो ये स्वास्तिक पर हमने बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इन पर जैसे कि जो भी हमने कुमकुम चढ़ानी होती है, चावल चढ़ाने होते हैं, हल्दी चढ़ानी होती है, तो हम इसमें चढ़ाएँगे। अब इसे विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शहरों में ऐसे ही बस सीधा झंडा ऐसी गाड़ा और चल दिया, तो वो होली नहीं होती, वो तो
मजे के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं वो ऐसे करते हैं। तो ये देखिए, हमने हमारी जो होली की शुरुआत है बसंत पंचमी से शुरू हो गई है, हमने पहले माता के साथ होली खेली है, होली खेलने के बाद अब हमारी होली हम कभी भी चाहे रोज़ होली खेलें और चाहे होली के अगले दिन भी तक भी होली खेल सकते हैं। तो ये हमारा झंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सभी आते हैं, कि जो बैठते हैं यहाँ पर तो वो भी आए हैं और हमने ये माता के साथ अच्छे से होली खेली। आप भी ऐसे कर सकते हैं, बच्चों से भी खिलवा सकते हैं। और जो हमने ये कलावा बांधा है, ये कलावा आप 3 बार बांधिएगा यहाँ पर, और तोड़ना नहीं है कलावा, आपने यहाँ ही छोड़ देना है, या घर से तोड़ कर लाएँ वो तो वो बात अलग है, लेकिन आपने कलावा यहाँ पर आ करके तोड़ना नहीं है। तो हमने 3 बार इनका चक्कर एकदम ऐसे गोल कर लिया है, बांध दिया है, और अब हमारी होली बन करके एकदम तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी हमारी होली की पूजा विधि, तो आप ये ज़रूर बताइएगा। होली की आप स्थापना ऐसे भी कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, धन समृद्धि ऐसे बढ़ा सकते हैं और भगवान से आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। जय माता दी। आपको कैसी लगी।